रेलवे भी ले लेता हूँ। आज अजय मेरू प्रेस क्लब और समस्त पत्रकार गण के द्वारा अजमेर में जो भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए प्रधानमंत्री महोदय से ये एक रिक्वेस्ट किया गया है और ये ज्ञापन दिया गया है। और इसके साथ साथ उनके द्वारा ये भी एक बात सामने आई है कि जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो पत्रकारों के साथ जो है वो मतलब उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, रूखा व्यवहार रहता है और कभी कभी उनके अधिस्वीकरण के जो प्रस्ताव आते हैं उसके ऊपर भी जो है निचले स्तर पे ठीक से उसके ऊपर कमेंट नहीं किया जाता, उसको प्रोसेस ठीक से नहीं किया जाता है। तो ये सारे मुद्दे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज़ें हैं वो हम अपने अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि पत्रकारों के साथ व्यवहार अच्छा रखें और उनके साथ जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको सुलझाने की कोशिश करें। और जो पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए उन्होंने ज्ञापन भेजा है ये मैं प्रधानमंत्री तक और राज्य स्तर तक भिजवाने का इसमें प्रयास करूँगा। अजमेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बने और सारे पत्रकारों की सुरक्षा करे सरकार की जिम्मेदारी है। पत्रकार जो है वो अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं तो पुलिस और प्रशासन को भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में आज अजय मेरू प्रेस क्लब ने सभी पत्रकारों की मौजूदगी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नाम आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उसमें पत्रकारों की जो और समस्या है वो भी हमने जिक्र किया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर बजरी माफियाओं ने जिस प्रकार से आतंक मचा रखा है और जिस प्रकार से जो जर्नलिस्ट है वो खबरें लिखते हैं लेकिन कभी उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है तो कभी उनको उन पर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। इसी प्रकार जैसे कोर्ट के अंदर जो मुलजिम वगैरह पेशी पाते हैं और हमारे जो फोटोग्राफर साथी फोटोएँ खींचते हैं तो आए दिन उनके साथ भी धक्का मुक्की या दुर्व्यवहार होता है। इन सारी वारदातों को रोकने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के अंदर हमने जो पत्रकारों की समस्या है जो राजस्थान सरकार से भी है और भारत सरकार से भी है, राजस्थान सरकार से हमने ये भी मांग की है हमने कि आप भी एक अलग से कमेटी बनाएं, उसमें जो सुरक्षा कानून बनाएं, एक उसमें पत्रकार जो है उनको भी आप उसमें शामिल करें, उनके महत्वपूर्ण सुझाव लें। और हमने जिला कलेक्टर महोदय को ये भी बोला है कि आप जो अजमेर शहर के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं उन पत्रकारों को भी आप सुरक्षा मुहैया कराएँ क्योंकि वो छोटे स्तर पर रहते हैं। तो जिला कलेक्टर महोदय ने हमको विश्वास दिलाया है कि प्रशासन की जो बैठक होगी उस बैठकों में सभी पुलिस अधिकारियों को और विशेष तौर से जो एचडीओ साहबान तहसीलदार हैं या उपखंड अधिकारी है उनको भी वो निर्देश करेंगे कि आप पत्रकारों की सुरक्षा है वो मुहैया कराएं और उनका ध्यान रखें। कोई भी खबर वो बताते हैं तो उसका जो वर्जन उनका पक्ष जो है प्रशासन का वो उन्हें तुरंत प्रभाव से दे ताकि खबर में जो है सामतुल्य बनी रहे और किसी प्रकार का विवाद की स्थिति नहीं हो। प्रदेश के अंदर जो पूर्व में कांग्रेस सरकार ने जो 60 वर्ष से अधिक पत्रकारों को पेंशन की सुविधा मुहैया कराई थी लेकिन गत वसुंधरा सरकार ने इसे बंद कर दिया। हमने ये भी मांग की है कि उन पत्रकारों को जो 60 वर्ष से अधिक है उनको पेंशन सुविधा वापस से शुरू करवाई जाए। एक जो अधिस्वीकृत पत्रकार के लिए जो मापदंड है उसके अंदर भी हमने निवेदन किया है कि आप उनका सरलीकरण किया जाए। वैसे कल 21 तारीख को हमारे यहाँ पर सूचना जनसंपर्क मंत्री आ रहे हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और पत्रकारों की कोई भी समस्या है उनका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।